गाड़ी पे भुखमरी पे इतनी गाड़ियां देख रहा हूँ यहाँ पे। हेलो, इतनी गाड़ियां होती थी, डीजल पेट्रोल के प्राइस का क्या हुआ उसके ऊपर नजर डाली आपने बजट में? हमारे कितने छात्र बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अब जाना कहीं का बंद हो गया है, डॉलर इतना ऊपर चला गया है, रुपया इतना नीचे आ गया है, अभी रुपया ऊपर चला गया है और डॉलर इतना था उसका वो बंद हो गया, उस पर कोई बात नहीं हो रही, ना डॉलर पे ना पेट्रोल पे ना प्राइस वाइज पे, इतनी सारी मुक्तों से भुगताने के लिए अभी ताज़ा ताज़ा उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की। विद ड्यू रिस्पेक्ट राम जन्मभूमि का अच्छी बात है आपने किया, हम उस पर नहीं कहेंगे क्योंकि सेंसिटिव मामला है, आपने किया। मैं तो खुद ही रामायणवासी हूँ, आपको तो पता होगा कि हमारे घर का नाम मुंबई में रामायण है, शायद भारतवर्ष में पहला मकान था जिसका नाम रामायण है। हम चार भाई हैं, राम लखन भरत अनु शत्रुघ्न, हमारे जुड़वा बेटे हैं लव और कुश, सोनाक्षी तो आप जानते हैं, जुड़वा बेटे को बहुत लोग जानते हैं लव और कुश, हमारे इतने सालों से जो सेक्रेटरी रहा है हमारा उसका नाम पवन कुमार, 50 साल से जो सेक्रेटरी है। तो कहने का मतलब मैं तो खुद रामायणवासी हूँ लेकिन मैं सर्व धर्म समभाव में विश्वास करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ। मैं हिंदुस्तान में पाकिस्तान में कितनी बार गया, कितनी बार पाकिस्तान गया हूँ, मेरी बहन है स्वर्गीय ज़ियाउल हक़ की बेटी जैन ज़िया जो मेरी मुझे भाई मानती है, मैं उसके जन्मदिन पे करीब करीब हर साल जाता रहा इस्लामाबाद या लाहौर जगह जगह जाता रहा, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं और मानते हैं कि सर्वधर्म समभाव। इसीलिए जब हमको दीदी ने आसनसोल भेजा और वहाँ पे मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पर एक बात सबसे अच्छी लगी मुझे वहाँ पे कि वहाँ पे गेट पे द्वार पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा लिखा हुआ सिटी ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि सद्भावना का शहर, भाईचारे का शहर, यही होना चाहिए पूरे मुल्क में, सद्भावना होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, एक दूसरे में प्यार होना चाहिए,